सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आप सभी का बहुत स्वागत है गाइज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी प्री बोर्ड होने वाला है, उसके बाद में जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल्स है और बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है इसलिए मैं प्री बोर्ड को छोड़ रहा हूँ। रीज़न वैलिड है, मैं एग्री करता हूँ। अगर आपका स्कूल ऐसा कर रहा है तो वो स्कूल की गलती आपकी गलती नहीं है। तो बच्चे पूछ रहे कि सर मैं छोड़ दूँ क्या? देखो गाइज, मैं तो हमेशा बच्चों को यही कहता हूँ कि फर्स्ट चॉइस आपकी प्री बोर्ड देना नहीं देना। लेकिन अब जो कंडीशन बन गई है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि प्री बोर्ड उसके बाद प्रैक्टिकल्स, बच्चों को टाइम गैप कुछ नहीं है बच्चों को पढ़ाई करने, क्योंकि देखो यार एकदम एट लास्ट फरवरी में अगर एग्जाम स्टार्ट हो गए तो आपका टाइम कहाँ है? जनवरी में प्रैक्टिकल्स, दिसंबर में प्री बोर्ड, तो बच्चों के पास कोई टाइम गैप ही नहीं है। 15 दिनों में सिलेबस नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो आज ही छोड़ दो, वो आपकी चॉइस है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आराम से आप छोड़ सकते हो। ये मेरा आप सभी को इतना ही बोलूँगा, जो बेटर है, जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन यही है क्योंकि टाइम नहीं है यार। देखो प्री बोर्ड से इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम है, तो अगर जरूरत हो तो छोड़ सकते हो। बस आपसे अपील यही है कि पढ़ाई जरूर अच्छे तरीके से करना। आप सभी को कोई हेल्प मेरी चाहिए हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। फिर मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।